नमस्कार, सेवन आई शख्सियत में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार एक खास मेहमान हमारे साथ होते हैं। आज जो मेहमान है वो हैं जाने माने फिल्म अभिनेता और राइटर और खासतौर से थिएटर डायरेक्टर, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, के रैना जी, जिनसे आपको मिलवा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, क्या आपने मुझसे बात करने का टाइम निकाला। बोलिए, क्या आप मुझसे जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, बहुत लंबा सफर है आपका, राइटिंग का, फिल्म अभिनय का और थिएटर डायरेक्टर का। जीवन के उस शुरुआती दौर की अगर हम बात करते हैं कि एक के रैना जी के इस प्रोफेशन में आने के समय एक आकार लेना उस प्रोफेशन का, तो किस तरह से शुरुआती दौर रहा, क्या मनन रहा उस समय आपका? देखिए, कुछ चीजें लाइफ में एक्सीडेंट की तरह हो जाती हैं कि मैं आपको बताऊं, मैं कश्मीर से हूं और वहां पे थिएटर का इतना मतलब प्रचलन नहीं है। जो कुछ भी रामलीला या धार्मिक नाटक स्टेज पे होते थे, बचपन से मेरे पिताजी मुझे वहाँ ले जाते थे, मैं देखता था, तो वहाँ से फैसिनेशन शुरू हुआ। और फिर ये कब मतलब इसकी जो मतलब मेरी जो मेरा पैशन या मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि मैं इस मैं काम करूँ, स्टेज पे मैं भी काम करूँ, वो एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ मैं बता नहीं सकता। वो झूठ होगा अगर मैं कहूँगा नहीं यहाँ से मैंने देखा और यहाँ से मैं इंस्पायर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखते 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 एक वक्त स्टेज पे आ गया कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। मगर जब स्टेज पे आया तब मुझे लगा कि यार ये जो विधा है, ये जो मतलब एजुकेशन है, इसके पीछे कुछ है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जब मैं डायरेक्टर से कोई सवाल पूछता था एज एन एक्टर, तो वो जवाब नहीं दे पाते थे या ऐसे ही उलझुल स्टेज पे यहाँ आके उठो, यहाँ आके बैठ जाओ, लेकिन क्यों उठो क्यों बैठ जाओ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तब मैंने तय किया कि देखो अगर मुझे ये करना है, मुझे अच्छा लग रहा था स्टेज पे जाके, जबकि लोगों की हवाई और ताली जब सामने बजती थी, मैं बहुत छोटा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कुछ हूँ, तो मुझे लगा अगर मुझे स्टेज करना है तो मुझे इसको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। तो तलाश करते करते मैंने ड्रामा स्कूल का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पता किया और मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैंने वहाँ फॉर्म भर दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मतलब मैं सिलेक्ट हो गया उस वक्त। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, घर वालों का कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग का या किसी मतलब मेरे पिछली 10 पिछतों ने एक्टिंग वैक्टिंग कभी की। बिल्कुल सर, यही सवाल मैं आपसे अगला करने वाला हूँ कि जब बैकग्राउंड नहीं था और एक कश्मीर के एक ऐसी जगह से आप आते हैं कि आपको मतलब जीवन को चलाने के लिए कोई जीविका का साधन ढूंढना चाहिए था, पेरेंट्स का खासतौर से कि अब पढ़ लिख कर भैया कुछ कमाओ, ये क्या है इसमें? यही मैं वहीं पे आ रहा हूँ मैं, कि जब मैं ग्रेजुएशन मैंने की थी और उसके बाद मतलब मैं जॉब ढूंढ रहा था। एक पॉइंट पे मैंने अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में मुझे ऑडिटर की जॉब मिल गई, घर वाले बहुत खुश हो गए, चलो भाई करियर बन गया बच्चे का, क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है ना, तो अब तो करियर बन गया बच्चे का। लेकिन जब उनको ये पता चला कि मैं ये छोड़ के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहता हूँ, तो मतलब ऐसा वज्रपात सा हो गया, सब लोग नाराज़ हो गए, घर में लोगों ने बातचीत बंद कर दी मुझसे। तो ये एक रिबेलियन सा था, एक तरह से देखा जाए एक साइलेंट रिबेलियन सा था। बट मैं आज अपने माता पिता को का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ मतलब मना करने के बाद भी मुझे ये आज़ादी दी कि जो मैं करना चाहता था मुझे करने दिया। तो मैं चला गया, वो खुश नहीं थे बहुत देर तक, 6-7-8 महीने तक बिल्कुल बातचीत साइलेंस था, बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको लगा कि बच्चा जो है, हम तो हमारे तो एक्टर को तो भांड कहते हैं वहाँ पे, तो ये भांडगिरी में कहाँ फंस गया, क्या करेगा ये। तो मैं चला गया, मतलब उन्होंने इस वक्त मतलब रिलेंट कर लिया और चला गया मैं। तो मैं ड्रामा स्कूल पहुँचा तो वहाँ ट्रेनिंग शुरू की, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो मेरे सवाल थे जब मैं एमेचर थिएटर पे काम कर रहा था, तो उन सवालों के जवाब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगे। क्योंकि एक बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई टीचर मुझे मिला है तो इब्राहिम अलकाज़ी साहब उस वक्त डायरेक्टर थे। उन्होंने सिर्फ थिएटर नहीं सिखाया, उन्होंने ये भी सिखाया कि जीना कैसे, किसे कहते हैं, ज़िंदगी को कैसे जीते हैं और ज़िंदगी को कैसे थिएटर के साथ जोड़ते हैं। बहुत बहुत ही कमाल के टीचर थे वो, तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो एक साल के बाद, दो साल के बाद फिर लोग इसी पेरेंट्स, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं बच्चे को, तो देन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। एक्सेप्ट करने के बाद एक बात ऐसा हुआ कि मैं जब ड्रामा स्कूल की रेपेटरी कंपनी में पहुंच गया, मतलब डिप्लोमा करने के बाद, तो जम्मू में एक थिएटर फेस्टिवल हुआ। तो जम्मू में जब थिएटर फेस्टिवल हुआ तो उसमें मैं 5 प्लेस थे, 4 प्लेस में मैं मेन रोल कर रहा था।
उस वक्त, तो मैंने अपने फादर को एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा देखिए आप लोगों को इतने सालों से ये परेशानी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ तो आप जम्मू आइए, क्योंकि श्रीनगर से जम्मू आना पड़ता था। जम्मू आए और मेरा ये फेस्टिवल देखिए, प्ले का फेस्टिवल है, तो आपको समझ में आएगा मैंने इतने साल क्या सीखा और क्या किया। तो वो भी बड़े एक्साइटेड थे, तो वो आए, मेरे मदर मेरे फादर आ गए, तो उन्होंने फेस्टिवल देखा। फेस्टिवल में जब प्लेस व्लेस देखे और लोग, उन्होंने देखा कि लोग तालियां बजा रहे हैं, अचानक मेरा नाम मेरी तस्वीरें फोटो मतलब अखबारों में आने लगी, तो मेरे फादर को लगा यार कुछ तो ये कर रहा है ऐसा जिसकी वजह से इतने लोग ऐसे पागल थोड़ी हो सकते हैं, सब लोग इनको मतलब ऐसे मतलब झूला झूलाते झूला के इधर उधर एप्रिसिएशन कर रहे हैं। तो तब से उनको लगा कि नहीं यार कुछ ये काम जो कर रहा है इसका कुछ महत्व है, इसका कुछ है महत्व, एंड देन दे एक्सेप्टेड इट कि भाई अब ठीक है। तब तो उसके बाद तो कोई मतलब रुकना था नहीं, तो फिर मैं आगे ही चलता गया। लगातार थिएटर आप करते रहे और लेकिन वहाँ से फिर फिल्म और टेलीविजन, खासतौर से फिल्मों की मैं बात करूँ, तो चूंकि आपने सोच के आए थे कि थिएटर करना है और एक एक्टर बनना है, आपको उस तरह का एक कलाकार बनना है, तो फिल्मों की तरफ फिर किस तरह से जाना होगा? देखिए ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जब थर्ड ईयर कंप्लीट किया तो लगा कि यार थिएटर में पैसा नहीं है, जीविका कहाँ से आएगी, क्योंकि हम रोजी रोटी कहाँ से करेंगे। अपने जोश में तो आप गए ड्रामा सीखने के लिए, लेकिन आपको अपने को सर्वाइव भी करना है तो अपने को पालना भी है। और दूसरी बात कि मेरे पास मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं वापस जाके अपने पेरेंट्स को कहूँ कि भाई मुझे संभालो मुझे पालो, ये बर्दाश्त नहीं था मुझे, क्योंकि मैं एक्चुअली रिबेल करके आया था, तो मुझे कोई रास्ता ढूंढना था। तो आई वॉज लकी अनब कि उन दिनों जब मैं थिएटर रेपेटरी में था, तो उन दिनों मतलब एक सुरेंद्र नाथ धीर थे, एक मतलब फिल्म और टेलीविज़न के, वहाँ दिल्ली टेलीविज़न के डायरेक्टर थे, वो एक फिल्म बनाना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी फिल्म में काम कीजिए। मैं फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं, तो बहुत 5-6 महीने मेरे पीछे लग गए वो, तो वो बिल्कुल आर्ट टाइप की फिल्म थी, जैसे कि मणिकौल उनके गुरु थे, तो आप समझ सकते हैं वो किस तरह की फिल्म बना रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि मेरे नाटक, जबकि मैं दिल्ली में नाटक कर रहा था, तो ये जो श्याम बेनेगल, गोविंद नहलानी, ये सब लोग आते थे वहाँ हमारे नाटक देखते थे। तो गोविंद नहलानी ने मुझे स्टेज पे देखा था, तो वो एक फिल्म बना रहे थे विजेता, तो विजेता में उनको एक एक्टर चाहिए था, तो वो आए एक दिन दिल्ली, उन्होंने कहा यार तुम मेरे होटल में मिलो। तो मैं गया मिलने, उन्होंने कहा मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम उसमें विली का रोल करो, क्रिश्चियन कैरेक्टर है, तो उसमें कुणाल कपूर है, तुम और राजा बुंदेला होंगे। तो पहले समझ नहीं आया, मैंने कहा करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं, क्योंकि एक अजीब सा थिएटर वालों का एक कमर्शियल सिनेमा के साथ थोड़ा एक अजीब सा मतलब व्यवहार था कि ये कमर्शियल होता है कि ये तो आर्ट नहीं होता है। लेकिन जब मैंने कहानी सुनी उस फिल्म की, तो मुझे लगा यार ये तो मुझे करना चाहिए। तो उस फिल्म से मैं दिल्ली से बॉम्बे पहुँचा, एंड एज लक वुड हैव इट, उसके बाद मुझे मैं दिल्ली जाने का, वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद श्याम बेनेगल की मंडी शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा हम हमारी फिल्म में काम करो। तो इस तरह से सिलसिला फिल्मों का चलता रहा। अरुका फैसला बहुत ही इट्स मतलब कल्ट फिल्म बन गई अरुका फैसला, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी उस वक्त, क्योंकि एक्चुअली क्या अरुका फैसला, हमने रंजीत कपूर हमारे बैचमेट थे, उन्होंने अरुका फैसला प्ले किया था दिल्ली में। उसमें दिल्ली के सबसे मतलब उसमें 11 लोग होते हैं प्ले में, अगर आपको एक जूरी है, जूरी एक फैसला लेना चाहती है, तो उसमें दिल्ली के एक तो NSDK और दिल्ली के जो जितने भी मशहूर एक्टर थे, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे, वो सब थे उसमें। वो प्ले लेके हम गए बॉम्बे, ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैं विजेता की शूटिंग कर रहा था। तो मैं वहाँ पर गया बॉम्बे में, हमने प्ले किया पृथ्वी थिएटर में, तो वहाँ पे बासु चटर्जी आ गए, बासुदा आ गए, बासुदा ने देखा कि, उन्होंने कहा यार ये ऐसा करो मैं इसकी फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा बनाइए फिल्म, बड़े एक्साइटेड हो गए हम कि फिल्म बनाना चाहते हैं। और लेकिन मुझे याद है आज तक उन्होंने कहा मैं 5,000-5,000 रुपये दे दूंगा एक एक्टर को रेम्यूनरेशन, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हम तो इतने एक्साइट, हमने कहा दादा कुछ मत दीजिए लेकिन हम कर लेंगे। और वहाँ से वो फिल्म बन गई, और हमने तो चूंकि एडवांटेज बासुदा का ये था कि ये तो थिएटर की तरह हमने तैयार किया था, सबको लाइनें वाइनें सब याद थी, कुछ कर रहे थे, कैमरा चलाना था और अपने हिसाब से उनको कंपोज करके उनको शूट करना था। तो एक कमरा ले लिया जिस पे हम, उन्होंने सेलेक्ट किया, उसने कहा यहाँ पे शूट करेंगे। 7 दिन में हमने वो पूरी फिल्म कम्प्लीट कर दी, लेकिन ये उम्मीद कतई नहीं थी कि ये कल्ट फिल्म बनेगी। मैं आज भी जब मुझे लोग मिलते हैं
देखिए कुछ एक चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, आपने बहुत कुछ किया होता है लेकिन उसका लोग उसको याद नहीं रखते हैं, लेकिन आज भी अगर मुझे कोई याद करता है तो रुका फैसला की वजह से याद करता है, घातक की वजह से याद करता है, ब्योमकेश बख्शी एक सीरियल टेलीविजन सीरियल में किया उसको याद करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब भी जहाँ भी मैं जाऊँगा तो कहते हैं आप क्या रुका फैसला देखा, मैंने सोचा यार एक दिन पूछा मैंने कहा ये आप कहाँ देखते हैं फिल्म, जो फिल्म के अभी तो है नहीं मार्केट में उसको आप कहाँ देख रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखिए वो जो जितने भी जैसे बैंक में है, बैंक में जो प्रोबेशनरी कोर्स करते हैं बच्चे जो ज्वाइन करते हैं या किसी बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं लोग, उनको ये दिखाना कि पर्सुएशन क्या होता है उसके लिए वो फिल्म दिखाते हैं उनको कि देखिए, क्योंकि उसमें मेरा जो रोल था कि कैसे 10 लोगों को मैं कन्वर्ट करके मतलब मनाता हूँ, तो वो पर्सुएशन क्या होती है उसकी ट्रेनिंग उस फिल्म से होती है। तो एक कल्ट फिल्म बन गई रुका फैसला, ये उम्मीद नहीं थी लेकिन हो गया और अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि भाई ये फिल्म है, यानी कि आपके लिए वो माइलस्टोन हो गई है फिल्म। फिर राइटिंग की तरफ अगर हम आते हैं एक्टिंग से तो वहाँ भी आपने हाथ आजमाए और काफी बढ़िया काम किया, उसके लिए आपको स्क्रीन अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था कि एक फिल्म मैंने मतलब चाइना गेट उसके डायलॉग लिखे थे राजकुमार संतोषी के साथ। बेसिकली आइडिया ये था कि यार मैं स्क्रीन जो है सिनेमा को समझूं, सिनेमा की जो विधा है उसको समझूं, इसलिए मैं राइटिंग में भी गया और स्क्रीन प्ले राइटिंग में भी गया और काफी मतलब एक कंप्लीट एक्टर राइटर और डायरेक्टर के तौर पर आपने कर जी। आजकल जब मैं प्ले जब डायरेक्ट करता हूं मतलब थिएटर के लिए या टेलीविजन का, जैसे आपने जिक्र किया मैंने टेलीविजन के लिए काम किया, काफी काम किया टेलीविजन के लिए, तो प्रोड्यूस किया डायरेक्ट किया मतलब कशीर चैनल के लिए मैंने काफी काम किया, तो उस वक्त ये वो सारी एक्सपीरियंस काम आ गई। तो मुझे लगता है कि मतलब सीखने के लिए बहुत कुछ है, आदमी को सिर्फ वो पैशन होना चाहिए, वो डिज़ायर होनी चाहिए सीखने की। तो इस तरह से ये एक समझे कंप्लीट सा एक मतलब एक यात्रा हो गई। आपने थिएटर को नहीं, जड़ को नहीं छोड़ा, मतलब आप भले ही फिल्मों में चले गए, टीवी सीरियल्स करने लगे, राइटिंग करने लगे, लेकिन थिएटर अभी भी आपके साथ वैसा ही पैरेलल चल रहा है। देखिए थिएटर को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं बताऊँ आपको कि थिएटर मतलब ये मेरी सोच है, हर एक आदमी ऐसा सोचा, ऐसे जरूरी नहीं है कि मैं, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी स्कॉलरशिप पे, और स्कॉलरशिप तो मतलब टैक्स पेयर्स का मनी है, हिंदुस्तान का जो टैक्स पेयर है वो जब पैसे देता है तब आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो जब डिप्लोमा करने के बाद बाहर आया तो मुझे लगा कि आप तो आराम से निकल सकते थे, फिल्मों में काम कर रहे थे, मैंने कहा नहीं ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा दायित्व है कि जिन लोगों के पैसे से मैंने सीखा है I have to return back to them something. So, तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं कुछ भी हो जाए नाटक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये विधा जो मैंने लोगों के पैसों से टैक्स पेयर्स मनी से मैंने सीखी है विधा, और इसके लिए मुझे प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा और मैं मुझे उसको वापस रिटर्न करना है। ये एक सोच थी। और दूसरी बात उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं फिल्मों में गया या टेलीविजन में काम, टेलीविजन में मैंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है, जैसे मैंने अमीर खुसरो मतलब पूरा मतलब मेन कैरेक्टर किया, तब लाइफलाइन एक सीरियल बना था जो विजय मेहता ने डायरेक्ट किया, पहला लाइफलाइन था, इस तरह से जो श्याम बेनेगल के साथ किया, इट वॉज वंडरफुल वर्क, ऐसे मैंने बहुत काम किया। एक बात आपने कही थी कि आई एम ए किंग इन थिएटर, तो अब डायरेक्शन करने के बाद आप वाकई किंग हो गए उस चीज में। इसे नॉट इन लिटरल सेंस कि उतना मतलब मैं किंग इन द सेंस बिकॉज आई नो द मीडियम वेल, आई कैन एक्सपेरिमेंट विद द मीडियम, आई कैन चैलेंज द मीडियम, यू नो ये मैं कर सकता हूँ स्टेज पे, क्योंकि मुझे स्टेज का मालूम है। तो वो मजा आता है जब, जैसे कि अभी आप अगर आप शब्द लीला आज देखें, बिल्कुल शब्द लीला की भी हम बात करेंगे कि बहुत ही चर्चित आपका ये प्रस्तुति है, किस लिए है मैं बताऊं आपको, जैसे शब्द लीला है पहली बार मतलब इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने डॉक्टर धर्मवीर भारती का जो उन्होंने एक बहुत बड़ी लॉन्ग पोएम लिखी कनुप्रिया, राधा और कृष्ण के रिलेशन के ऊपर है, फिर उन्होंने बहुत ही एक कालजयी प्ले लिखा अंधायुग, मतलब क्लासिक है वो अपने तरह से, तो जब अंधायुग लिखा, और फिर हमने एक किताब पढ़ी जिसका नाम जो थी एक साहित्यिक के प्रेम पत्र, यानी कि धर्मवीर भारती जी ने जो पत्र लिखे थे अपनी वाइफ को पुष्पा भारती जी को, वो प्रेम पत्र है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने एक कल्पना की, एक नाटक की, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि पहली बार हो रहा है इस तरह से। लोग लव लेटर्स कहिए या तुम्हारी अमृता, तो चिट्ठियाँ पढ़ते हैं लव, लेकिन ये इस पर तीन मीडियम एक साथ है, चिट्ठियाँ साथ है, अनुप्रिया भी साथ है, और प्ले अंधायुग भी साथ है, कैसे हमने इसको मर्ज किया, ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ थी। ये मैं तब कर सकता था क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टेज पर कैसे होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो वो जो आपने किंग की बात की, तो किंग इस तरह से क्योंकि आप समझते हैं,
तो आप समझते हैं मीडियम को, समझते हैं मीडियम को, समझना बहुत बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार समझ गए तो फिर आप उस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मैं किंग हूँ, कि मैं स्टेज पर जो करना मुझे आता है। एक और थिएटर के किंग कारण साहब का जो महोत्सव चल रहा है भारत भवन में, उसमें ये प्ले आप लेकर आए हैं, क्या फील करते हैं? क्योंकि कारण साहब ने तो बहुत कुछ सिखाया है लोगों को, बहुत कुछ दिया है उन्होंने। देखो कारण साहब जो है तो मेरे तो डायरेक्टर रहे हैं कारण साहब, स्कूल में ड्रामा स्कूल के डायरेक्टर थे, तब मैं रेपेटरी में था, और मैंने कारण साहब के साथ दो महत्वपूर्ण प्ले किए हैं जो कि वो हर मतलब इंटरव्यू में मैंने देखा उनका जिक्र उन्होंने किया है, छोटे सैयद बड़े सैयद, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था। फिर उन्होंने शेक्सपियर का मैकबेथ किया था बर्नोवन के नाम से, जो कि उनकी लाइफ का भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्ले रहा है, जिसको उन्होंने यक्षगान स्टाइल में किया। तो ये दो प्लेज के दौरान काफ़ी मेरी इंटीमेट मतलब मेरा वो जो है इंटरेक्शन रहा कारण साहब के साथ। और कारण साहब बिकॉज देखिए अलका साहब हमको ये कहते थे, वो कहते थे देखो अगर इंडियन थिएटर को समझना है तो जो कुछ आप ड्रामा स्कूल में पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कारण साहब का और हबीब तनवीर के थिएटर को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन दो लोगों के थिएटर को नहीं समझेंगे तो आप हिंदी थिएटर मतलब हिंदुस्तानी थिएटर का रूप क्या है आपको समझ नहीं आएगा। तो हमने तो कारण साहब को एक स्टडी के हिसाब से देखा, हम कारण साहब के प्लेज जो भी मैंने देखे हैं, जब मैंने उनको काम करते देखा है वहाँ पर ड्रामा स्कूल में जब प्ले डायरेक्ट करते थे, तो हम एक इट वाज जस्ट लाइक ए सब्जेक्ट, कारण जी वाज अ सब्जेक्ट, उसको उनको स्टडी करो लिखो फिर बाद में कि व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ डायरेक्शन। इसी तरह से हबीब साहब जब प्ले करते थे तो प्ले कैसे करते हैं, उनके प्ले में क्या खासियत है, किस तरह का फोक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक सब्जेक्ट रहा हमारे लिए। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा है ये सब। तो इसीलिए जब मुझे यहाँ भारत भवन के लोगों ने मुझे कहा कि आप आइए यहाँ प्ले कर लीजिए और आप सेमिनार में भाग ले लीजिए, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ले लूँगा भाग। तो आज हम मतलब हमारा प्ले तो एक समझे हमारी तरह श्रद्धांजलि है कारण साहब के लिए। कारण साहब तो एक मतलब समझे एक स्कूल है अपना, एक अपना स्कूल है, मतलब अगर हम मैं बात करने लगूँ तो मतलब मुझे लगता है कि घंटों में गुजर जाएंगे, क्योंकि एसोसिएशन ऐसा रहा है कारण साहब के साथ। सर बातें करने को तो बहुत कुछ है और बहुत सारी चीज़ें जीवन की निकल कर आती हैं जब आप बात करते हैं, आपका जीवन थिएटर फिल्म टीवी राइटिंग और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट है, लेकिन समय की भी एक पाबंदी है, बहुत पाबंदी। बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी बातें की, काफ़ी चीज़ें आपने शेयर की अपने जीवन और अपने काम से जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये तो थी मुलाकात हमारी के रैना जी से, जो निश्चित ही आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए 7i News।